दैनिक सवेरा अंधेरे से उजाले की ओर। अदालत में चल रहे केसों का जल्द निपटारा करने के लिए लुधियाना के कचहरी परिसर में लोक अदालत लगाई गई, जिसमें पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के माननीय जस्टिस सूर्यकांत विशेष रूप से पहुंचे। इस दौरान जस्टिस सूर्यकांत द्वारा लोक अदालत में चल रहे केसों के निपटान संबंधी जायजा लिया गया। इस अवसर पर उन्होंने बताया कि इस नेशनल लोक अदालत से 5,000 के करीब चल रहे केसों की सुनवाई कर उनको हल किया जाएगा। उन्होंने बताया कि इस लोक अदालत में अधिकतर मोटर एक्सीडेंटल क्लेम से संबंधित, मैट्रिमोनियल से संबंधित, रिकवरी से संबंधित व अन्य केस नेशनल लोक अदालत में आए हैं। उन्होंने बताया कि नेशनल लोक अदालत की मदद से केसों को जल्द निपटान करने में मदद मिलती है। देखिए, ये लोक अदालत जो है ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस है, ये कंटिन्यूअस एफर्ट्स करने की बात है। जो ADR कांसेप्ट जो हमारा है, अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म जिसको हम बोलते हैं, उसमें हम अलग अलग किस्म के एफर्ट्स करते हैं, चाहे वो मीडिएशन है, लोक अदालत है, आर्बिट्रेशन है, कंसिलिएशन है, और ये एफर्ट्स एक ऑनगोइंग प्रोसेस है। इनको हम एक बार शुरू करके बंद नहीं कर सकते, और इसलिए जब भी हमें लगता है कि ऐसी स्टेज आ गई है कि कुछ लिटिगेंट्स ऐसे हैं जो हमारी इंटरवेंशन से, रिस्पेक्टेबल्स की इंटरवेंशन से आपस में पीसफुली और अपनी भावना से सेटलमेंट करके मुकदमे को ख़त्म करेंगे, तो वो एफर्ट्स हमें इस तरह कंटिन्यूस करने चाहिए और हम करते रहते हैं। तो इसलिए जैसे आज ही, क्योंकि नेशनल लेवल पे लोक अदालत है, तो अगला एफर्ट जब भी होगा तो हम लोकल लेवल पे अपनी लोक अदालत हम करते रहेंगे। ये हमारे पास हर किस्म के केसों में हमें सफलता मिली है, लेकिन बहुत ज़्यादा जो यहाँ पे लुधियाना में जो केसेस पेंडिंग है, एक तो 138 के जो पैसा रिकवरी के जो केसेज हैं, उसमें हमारा सक्सेस रेट बहुत अच्छा है, क्योंकि उसमें दोनों पार्टीज का कंप्रोमाइज करवाना बड़ा टफ काम है, और लेकिन उसमें हमारा सक्सेस रेट बहुत अच्छा है। इसी तरह जो मोटर एक्सीडेंट क्लेम केसेज में है, जिसमें हमें ऐसे लगता है कि जो विक्टिम है, जो परिवार है जिसका एक्सीडेंट हुआ है, उसको तुरंत फाइनेंशियल असिस्टेंस की ज़रूरत है, उन केसेज में भी हमारी सफलता बहुत अच्छी है। मैट्रिमोनियल केसेज में भी इक्वली बड़ा पॉजिटिव रिजल्ट रहा है, कुछ लोगों को हमने सेटलमेंट से, हम काफ़ी केसेज में सक्सीड हुए हैं।